इन दिनों आम आदमी पार्टी पर निगम में बैठी भाजपा 13,000 करोड़ रुपए ना देने के आरोप लगा रही है, जिसके चलते दोनों पार्टियों के बीच माहौल भी काफी गर्मास आ गया है। यही नहीं, इस मामले पर दोनों पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच आए दिन तीखी नोकझोंक और जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा ही दिलचस्प वाक्या दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में देखने को मिला, जहां दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे से बुरी तरह भिड़ गए और एक दूसरे पर तीखे वार करने लगे। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की शालीमार बाग विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार से एमसीडी के 13,000 करोड़ चुकाने को लेकर जवाब मांगते हुए जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा दिल्ली प्रदेश की पूर्व महामंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बलराम गुप्ता, भाजपा पीतमपुरा मंडल के अध्यक्ष भरत बजाज, भाजपा पीतमपुरा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हन्नी सबलोक समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब से दिल्ली में झाड़ू की सरकार आई है, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी यहाँ के चार्ज में है, तब से दिल्ली नगर निगम का जो बकाया दिल्ली सरकार ने देना होता, जो संविधानिक उनका पैसा है, वो पैसा दिल्ली सरकार ने नगर निगम को नहीं दिया, जिसके कारण से वर्षों से दिल्ली नगर निगम के लाखों कर्मचारियों की ना तनख्वाह दी गई है, ना यहाँ पे विकास कार्य हो पा रहे हैं, पेंशन रुक गई है, यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील तक के भी लाले पड़ गए हैं। वो 13,000 करोड़ रुपए आज पूरी दिल्ली भर में हमने 70 विधानसभाओं में जहाँ जहाँ इनके विधायक हैं वहाँ पर जाकर के धरने प्रदर्शन किए हैं, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचे इनके विधायकों के माध्यम से। ऐसे ही हमारे तीनों महापौर पिछले 6 दिन से मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर उसके दरवाजे पे धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये दिल्ली की जनता का अधिकार है, ये पैसा उनका अधिकार का पैसा है, ये कोई मुख्यमंत्री जी की जेब से उनको नहीं देना है, ये संविधानिक रूप में जो अधिकार है जिससे कि दिल्ली में विकास कार्य होते हैं, जिससे कि पेंशन मिलती है बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को, वो पैसा है जिससे डॉक्टरों को, सफाई कर्मचारियों को, टीचर्स को तनख्वाह जाती है। ऐसा लाखों कर्मचारी जो दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली की जनता है, जिनके हक का पैसा है, वो ये सरकार नहीं दे रही है। इस पैसे को लेने के लिए पूरी दिल्ली में मुहिम छिड़ी हुई है और जनता अपनी गुहार लगा रही है। सभी बीजेपी कार्यकर्ता शालीमार बाग गांव के चौक पर इकट्ठा हुए और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने जैसे ही चौक से शालीमार बाग इलाके के विधायक कार्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया, वैसे ही आप पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता भी झाड़ू लेकर मौके पर एकजुट हो गए और प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोकने लगे। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर किसी ने अगर काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ नगर निगम कर्मचारियों ने किया है, जैसे कि कूड़ा उठाना हो, चाहे सैनिटाइजिंग हो, चाहे किसी भी तरह का काम हो, हमारे नगर निगम कर्मचारियों ने किया है। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर 2 महीने हम लोग खुद कोरोना के अंदर हम 2 महीने अपने घर बैठे थे बिना किसी काम के, हम मिडिल क्लास की और की कैसी हालत हो गई थी। ऐसी 4 महीने से वेतन जो है 13,000 करोड़ रुपए नगर निगम बकाया जो कि हमारे केजरीवाल जी दे नहीं रहे हैं, उनकी फैमिली में क्या बीतरी होगी, हम उनके लिए आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, जो कि ताकि हम केजरीवाल तक आवाज पहुंचा सके, जो कि नजरबंद होकर अपने कमरे में बैठे हुए हैं, जो कि बाहर नहीं आ रहे हैं और ढोंग कर रहे हैं। देखते ही देखते दोनों पार्टियों की झड़प इतनी गर्मा गई कि हालात को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, और जब इससे भी बात नहीं बनी तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच डबल बैरिगेटिंग करके स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नियम में सत्तारूढ़ भाजपा लंबे समय से केजरीवाल सरकार पर तीनों निगम का बकाया भुगतान करने के लिए दबाव बना रही है। इसके साथ ही निगम कर्मियों की तनख्वाह, सीनियर सिटीजन्स की पेंशन और सीनियर सिटीजन्स को दवाइयां देने की मांग भाजपा करती रही है। खबर तो यह भी है कि तीनों निगम का बकाया भुगतान ना करने के कारण राजन बाबू टीबी अस्पताल, बाड़ा हिंदूराव अस्पताल और कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की तनख्वाह भी नहीं मिल पाई है, जिसके चलते वहां भी समय समय पर छोटे बड़े धरना प्रदर्शन देखने को मिलते रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा 13,000 करोड़ का जो फंड रोक रखा है दिल्ली सरकार ने एमसीडी को, वो जल्द से जल्द प्रदान करा जाए। एमसीडी के कर्मचारियों को बहुत समय से वेतन ना मिलने के कारण उनका घर चलाना उनके लिए असंभव हो पा रहा है। मिड डे मील की सुविधा जो एमसीडी के स्कूलों में प्रदान करी जा रही थी उसमें भी रुकावट आ रही है, तो इन दी एंड पूरी दिल्ली को इसका सामना करना पड़ रहा है। सफाई ढंग से नहीं हो पाएगी अगर आप
एमसीडी की स्ट्राइक पे चली जाए, एमसीडी को उनका वेतन ना मिले, तो मैं यही अनुरोध करूंगा दिल्ली सरकार से कि वो जल्द से जल्द एमसीडी को उनका फंड 13,000 करोड़ का फंड प्रदान करे। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या इस प्रदर्शन से केजरीवाल सरकार पर कोई असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन आशीष अरोड़ा के साथ शोभित शर्मा, TNN दिल्ली।